विशाल को हम कैसे भूल सकते हैं, क्या बैटिंग की थी। 31 रन की जरूरत थी 6 गेंदों में, और उन्होंने फर्स्ट मैच में रन किए थे लगभग 29। एक बॉल 2 रन का मैच आया था। अगर वो मैच जीत जाते तो फिर पोष मात्र स्पोर्ट्स टीम एक बड़ी टीम के रूप में और उभर कर आती, नो डाउट। वैसे भी तो बड़ी टीम ही है, लेकिन उनके चर्चे हर जगह होते आज के दिन। चलिए मैच की शुरुआत होने जा रही है। दोनों ही टीमों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बैठे हुए हमारे मान्यवरों की तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारे साथी स्कोरर जयवंत पाटिल की तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए करते हैं मैच को ऑन। वेरी फर्स्ट ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज बादल। बादल की पहली गेंद, सामना करने के लिए तैयार सैफ। आड़े बैट से खेलने की कोशिश, खेला है गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में, 1 रन कंप्लीट किया है। 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। इस 1 रन के साथ सैफ ने ओपनिंग की है, अपनी टीम का खाता जरूर खोला है। बालचरण स्मृति ब्रह्मांड टीम। बादल की अगर बात करें तो पावर प्ले का पहला ओवर लेकर आए हैं अपनी टीम की ओर से। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार बादल। थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, जोरदार अपील की है, गेंद जरूर शरीर से टकराई है। सिंगल रन के लिए निकले हैं, अंपायर का इशारा लेग बाइस के रूप में। 1 रन के साथ अतिरिक्त रनों का भी खाता इस वक्त जरूर जरूर खुलता हुआ। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार गेंदबाज। बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ खेला गया स्ट्रोक, गेंद जाती हुई डीप पॉइंट बाउंड्री के पार 4 रन के लिए। ब्यूटीफुल स्ट्रोक, बिल्कुल इस 4 के साथ रनों की रन संख्या में थोड़ी सी बढ़त होती हुई और सैफ के अकाउंट में ये 4 रन जरूर जुड़ते हुए। देखिए जो भी टीमें आ चुकी हैं प्लीज आकर कॉमेंट्री बॉक्स पर अपनी उपस्थिति दाखिल करानी है। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार गेंदबाज। इस बार टॉप एज लगा है जरूर, सिंगल रन लेना चाहते हैं। मन में चाहत थी सिंगल रन की, लेकिन वो चाहत रहेगी अधूरी। अच्छी कीपिंग का प्रदर्शन, सिंगल रन रोकने में कामयाब रहे। डॉट डिलीवरी, अच्छा कॉमबैक किया है मैं तो कहूँगा बादल ने। एक चौका लगने के बाद एक डॉट डिलीवरी की है, और एक अच्छे गेंदबाज की यही निशानी होती है कि बड़ा हिट लगने के बाद वो कॉमबैक करे, अच्छी वापसी करे, और उसी तरीके का दृश्य इस बॉल पे जरूर देखने मिला। अच्छा कमबैक किया है। अगली गेंद, इस बार ऑन द राइज खेला था गेंद को लॉन्ग ऑफ जोन पर, 1 रन कंप्लीट किया है। 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं, सिंगल डबल से यहां पर बात नहीं बनेगी। अगर मैच को एक अच्छे फाइटिंग स्कोर तक के लेके जाना है तो इस ग्राउंड का इतिहास रहा है कि 50+ करिए, आपकी बॉलिंग अटैक अगर अच्छी होगी तो फिर वो 50 रन भी आप रोकने में सक्षम और कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि इस ग्राउंड पर हमने 75, 85, 90 तलक के चेज होते हुए देखा है। नेक्स्ट बॉल, आड़े बैट से खेलने की कोशिश अजय की, पहले से मन बना चुके थे, डिसाइडेड स्ट्रोक कन्वर्ट करना चाह रहे थे। गेंद रही डॉट के रूप में, ओवर की हुई है समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई बालचंद्र स्मृति ब्रह्मांड टीम का स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 7 रन बिना कोई विकेट गवाए। चलिए फील्डिंग वाली टीम, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। 25 मिनट्स, 25 मिनट का समय दिया गया है। 25 मिनट से ज्यादा का अगर आपने वक्त लिया तो आपको लग सकती है पेनल्टी, क्योंकि हमारी कमेटी काफी स्ट्रांग है। नगर सेवक चषक 2022 की जो ऑल कमेटी मेंबर्स हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है इस टूर्नामेंट को सजाने और संवारने के लिए। जिस तरीके से आप बाउंड्रीज देख सकते हैं, काबिले तारीफ है। इस तरीके की बाउंड्रीज आपको बड़े बड़ी प्रतियोगिता में देखने मिलती है, और बाउंड्रीज की भी मैं तारीफ करूंगा। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से नरिश फाउंडेशन ने इस बाउंड्री को बनाया है। अगर कोई भी टीम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना चाहती है, अगर उन्हें इस तरीके की बाउंड्री चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं नरिश फाउंडेशन के अनिकेत से, और आपको ये बाउंड्री मिल जाएगी ज़रूर। गेंदबाजी की कमान पर आए हैं नए गेंदबाज मयूर। मयूर के हाथों में गेंद थमाई गई है, काफी लंबा रन अप, 38 सर्कल के बाहर से रन अप लेकर गेंदबाजी करेंगे यहां पर मयूर।
मयूर की वेरी फर्स्ट बॉल भी हिट करने की कोशिश, गेंद हवा में, व्हाट अ कैच, क्या कैच पकड़ा है डीप लॉन्ग ऑन खिलाड़ी आकाश ने, बिल्कुल फ्लाइटेड स्ट्रोक जड़ना चाह रहे थे सैफ, रडार में उनके गेंद सही तरीके से नहीं आई, लेकिन बैट की जब मुलाकात हुई तो गेंद कुछ समय के लिए हवा में रही, थोड़ा सा दौड़ लगाकर आकाश ने इस कैच को लपका है और पहला झटका देने में रहे हैं कामयाब। न्यू बैट्समैन सूरज, और तपते सूरज के सामने भेजा गया है सूरज को, क्योंकि इस वक्त मयूर ने आते ही साथ विकेट ली है। सैफ जैसे एक टैलेंटेड बैट्समैन को इन्होंने आउट किया है, और सैफ की अगर बात करें, अगर ये विकेटों पे खड़े रहते तो ये रनों की मशीन बन सकते थे। क्या बात है, सूरज आए हैं न्यू बैट्समैन के रूप में, नॉन स्ट्राइक हैंड पर अपनी पारी का इंतजार करते हुए नजर आएंगे, सामना करने के लिए तैयार होते हुए अजय टीम कैप्टन है, टीम के सरदार है। इसी बीच ये गेंद, इस बार अंपायर का इशारा, यस नो बॉल, एक रन के लिए निकले हैं, कंप्लीट किया एक रन, अंपायर का डिसीजन यस नो बॉल। चलिए, अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन, अंपायर से आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, आपके लिए रिव्यू सिस्टम रखा गया है ओनली बीमर के लिए, आप बीमर जो डिलीवरी होती है वो डेंजर घातक डिलीवरी मानी जाती है, टेनिस क्रिकेट हो या लेदर क्रिकेट हो, तो बिल्कुल उस तरीके की अगर कोई बॉल डिलीवर होती है तो उसके लिए आपको रिव्यू जरूर दिया जाएगा। नो बॉल पर एक रन मिला है, लेकिन बॉल की अगर बात करें तो बॉल बहुत ही बढ़िया तरीके से फुल एंड डिलीवरी जरूर की थी। नेक्स्ट बॉल रहेगी फ्री हिट, अब देखते हैं फ्री हिट वाली गेंद पर कितने ज्यादा रन जोड़ने में सक्षम और कामयाब यहां पर हो पाते हैं बल्लेबाज, क्योंकि रनों की जरूरत है अगर इस मैच को बड़े अंतर के साथ जीतना है, तो टारगेट बड़ा सेट करना होगा, जिस तरीके से इससे पहले के मैच का हमने टारगेट देखा था उस तरीके का टारगेट। यस, थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, आड़े बैट से खेलने की कोशिश जरूर, सिली मिड ऑन पर, शॉर्ट मिड ऑन पर गेंद को फील्ड किया गया, एक हाथ से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन एक रन यहां रोक नहीं पाए, तेज तर्रार रनिंग बिटवीन द विकेट देखने मिली, विकेटों के बीच सिंगल रन कंप्लीट किया है, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोरबोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ दो आंकड़ों में 10 रन। इस बार देखिए बैट का फेस ओपन करना चाह रहे थे, अंतिम और आखिरी वक्त पर अपने हाथों को रोकते हुए नजर आए, अपने बैट के फ्लो को रोकते हुए नजर आए यहां पर बल्लेबाज अजय, क्योंकि गेंद दिशा से काफी ज्यादा बाहर थी, अंपायर का फिर से एक बार इशारा आता हुआ, वाइड बॉल, वाइड बॉल। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार फिर से एक बार मयूर, इस बार देखिए गति पर कंट्रोल नहीं रख पाए, लेग स्टंप के बाहर गेंद को कर बैठे, एक रन यहां पर दौड़कर पूरा किया है, यस वाइट के साथ 22 इस वक्त फ्री मिलता हुआ, दो रन का होगा फायदा, दो रन के साथ स्कोर में थोड़ी सी तब्दीली होगी, स्कोर में परिवर्तन होगा, स्कोर 13 रनों पर इस वक्त नजर आता हुआ। 5 ओवरों का ये मुकाबला है, टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था यहाँ पर अगर बात करें जय वागेश्वर रिचि प्रतिष्ठान देसाई टीम ने। अगली गेंद, इस बार देखिए मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, लेकिन नो मैंस लैंड पे गेंद गिरती हुई, गेंद को जब तलक के फील्ड करते, अच्छी फील्डिंग नो डाउट, यहाँ पर देखा अंतिम और आखिरी वक्त पर उन्हें पता था कि गेंद वो लेकर बाउंड्री के पार चले जाएंगे, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी अंतिम और आखिरी वक्त पर गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के अंदर थ्रो कर दिया और दौड़कर 3 रन यहां पर कंप्लीट किए। फिर से एक बार मयूर, इस बार ये अच्छा स्ट्रोक था, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, गेंद लहराती हुई, मुस्काती हुई निकलती हुई 4 रन के लिए, इस 4 के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 20 रनों पर। मयूर का ओवर थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ, मयूर की अगर बात करें तो मयूर ने पहली गेंद पे भले से विकेट लिया, दूसरी गेंद नो के रूप में रही, फिर वाइट, एक्स्ट्रा रन की अगर बात करें तो अब तक के एक्स्ट्राज गिर चुके हैं 4, जिसमें 2 22 के रूप में, 5 एक्स्ट्रा गिरे हैं सॉरी, एक नो बॉल के रूप में, 2 वाइट के रूप में और 1 लेग बाइस के रूप में, कुल मिलाकर 6 रन।
इस बार देखिए अजय फिर से एक बार बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, रेंज में गेंद फिर से नहीं आई, शॉर्ट मिड ऑन पर गेंद को तेज गति से फील्ड किया गया। यहां पर अजय ने अपना मन जरूर चेंज किया और गेंद रही डॉट के रूप में। रिक्स नहीं लेना चाहते अजय, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो विकेटों पर खड़े रहे, अगर वो विकेटों पर सेट हो गए तो टीम का टारगेट वो सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बॉल आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, अंपायर डिसीजन नो बॉल, वंस अगेन नो। इस ओवर में ये सेकेंड नो बॉल आता हुआ, मेरे ख्याल से पिचिंग आउट ऑफ द विकेट हुई है, इसलिए अंपायर का डिसीजन नो बॉल के रूप में कन्वर्ट होता हुआ। नेक्स्ट बॉल रहेगी फ्री हिट, फ्री हिट वाली बॉल पर अजय कितने रन जोड़ने में सक्षम और कामयाब हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी जरूरी। अगली गेंद, इस बार देखिए तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, कंट्रोल नहीं रख पाए। फिर से एक बार जीतू पाटिल जो कि अंपायर की भूमिका में है, वो हमारी तरफ मुड़ते हुए और हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ वाइट देते हुए, इस वाइट के साथ स्कोर 22 रन। एक्स्ट्रा रन की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा रन इस ओवर में आए हैं, 8 रन एक्स्ट्रा के रूप में। नेक्स्ट बॉल इस बार बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, एक रन के लिए निकले हैं, रिक्स से भरा रन है और एक रन कंप्लीट किया। ओवर की हुई है समाप्ति, मयूर का काफ़ी लंबा ओवर चला जिसमें 2 नो और लगभग वाइट की अगर बात करें तो कुल मिलाकर 4 वाइट यानी 16 रन खर्च किए इस ओवर में। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई बालचंद्र स्मृति ब्रह्मांड टीम का स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 25 रन, 23 माफ कीजिएगा 23 रन। नए गेंदबाज आए हैं दिलीप पाटिल, अगली गेंद इस बार देखिए थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, करारा प्रहार किया, गेंद को आउट ऑफ द पार किया, 6 रनों के लिए फरार किया, बड़ा हिट, क्या बात है। दिलीप की अगर बात करें तो अनुभव से भरपूर ये खिलाड़ी है, एक सीनियर खिलाड़ी के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। चलिए जूने बॉल की व्यवस्था करनी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे कमेटी के जो सदस्य हैं जिनके पास बॉल की जिम्मेदारी है। चलिए बॉल आ चुका है, दिलीप पाटिल। नेक्स्ट बॉल इस बार आड़े बैट से खेलने की कोशिश, गेंद कन्वर्ट हुई है डिक्लेयर जोन में, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, सिंगल रन, स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। काफी सीनियर खिलाड़ी माने जाते हैं डोंबिवली परिसर के, और बिल्कुल रिचि प्रतिष्ठान, ये रिचि जो थे हरदिल अजीज हमारे भी दोस्त थे, जरूर उनके बारे में चर्चा करेंगे। इस बार देखिए बिग हिट करने की कोशिश, गेंद आउट ऑफ द पार्क, 6 रन, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्ट्रोक, क्या बात है। अजय तुसी छा गए ये कहा जाएगा, क्या बैटिंग कर रहे हैं, व्हाट अ हिट, दिस इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रोक। बिल्कुल रिचि की जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, एक होनहार खिलाड़ी के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं जाते थे, और बिल्कुल वो आज हमारे से दूर चले गए, लेकिन उनकी यादें, उनकी जो पारियां हैं यूट्यूब पर अभी भी मौजूद हैं।
लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, एक ऑलराउंडर की छवि रखने वाले खिलाड़ी, देसाई गांव से बिलोंग करने वाला वो खिलाड़ी जिसने अपने नाम के चर्चे और अपने नाम के साथ साथ अपने गांव के परचम को हर ग्राउंड पर लहराया। यस ओवर की समाप्ति हुई है और स्कोर है 37 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम बालचंद्र स्मृति ब्रह्मांड टीम का स्कोर कुछ इस प्रकार का इस वक्त नजर आता हुआ, 37 रन। चलिए प्लीज टीम हडल कम करना है, चर्चा कम करना है, चर्चा में ज्यादा समय खर्चा होता है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा। चलिए ड्रिंक ब्रेक के बाद फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है नगर सेवक चषक 2022 में। गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है बादल ने और स्ट्राइक पर है अजय। बादल बादल फिर से एक बार आए हैं अपनी टीम की ओर से लेकर ओवर नंबर 4। इस बार देखिए बादल ने आते ही साथ बिजली यहां पर गिराई है वाइड के साथ और वाइड बॉल अतिरिक्त रन देसाई टीम के जो एक्स्ट्रा रन है वो अगर उस पर लगाम रोक लगी होती तो बहुत अच्छी बात होती क्योंकि काफी ज्यादा एक्स्ट्रा रन खर्च किए हैं। 9 रन अब तक के इस स्कोर में 9 रन एक्स्ट्रा के रूप में गए। अगली गेंद, ओह दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, वाइडी शॉकर गेंद को रखा था आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, पिचिंग बहुत ही लाजवाब रही, बल्लेबाज इस गेंद पर अटैक करना चाह रहे थे लेकिन मिस कर बैठे गेंद को, गेंद सुरक्षित डॉट के रूप में। बादल ने शुरुआती ओवर में शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था, अपनी टीम की ओर से पहला ओवर लेकर आए थे जब उन्होंने 7 रन खर्च किए थे, विकेट कोई नहीं मिला था लेकिन 7 रन का एक अच्छा ओवर, सफल ओवर किया था इन्होंने। इस वक्त बादल रनअप में जरूर थोड़ी सी मिस्टेक करते हुए नजर आए। चलिए टीम वाग्बिल एंड कोलचेत दोनों टीम कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि कॉमेंट्री बॉक्स पर आकर संपर्क साधना है। वाग्बिल एंड कोलचेत नेक्स्ट बॉल
दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, फुल एंड गेंद थी। बैट्समैन अजय फिर से एक बार केतान पंका स्ट्रोक जड़ते हुए नजर आए, गेंद रही डॉट के रूप में। डॉट डिलीवरी थोड़ी सी भारी पड़ जाएगी क्योंकि अच्छा रन रेट यहां पर देखने मिला है टीम बालचंद्र स्मृति ब्रह्मांड का, लेकिन अब दबाव बनता हुआ गेंदबाज थोड़ा सा दबाव बनाते हुए, देखिए इस बार देखिए इनर एज लगा है, बैट का अंदरूनी किनारा लगता हुआ, खूबसूरत कैच पकड़ा, विकेट का पतंग हुआ, रनों की रन संख्या थमी हुई, रुकी हुई इस वक्त 38 रन्स पर। अब भेजा गया है ताबड़तोब जॉय को। जॉय एक डेंजर ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करने वाला खिलाड़ी, अंडरआर्म क्रिकेट कहिए, ओवरआर्म क्रिकेट कहिए, लेदर क्रिकेट कहिए, हर क्रिकेट में अपने नाम की छाप रखने वाला खिलाड़ी जॉय, तो करता है क्रिकेट को इंजॉय, वो है जॉय। अब आए हैं बल्लेबाजी की कमान पर, जॉय स्ट्राइक पर रहेंगे। सूरज की अगर बात करें तो सूरज अभी भी नॉन स्ट्राइक हैंड पर खड़े रहकर अपनी पारी का जरूर इंतजार करते हुए। बादल बहुत अच्छी गेंदबाजी अब तक की है, तीन गेंदों में महज एक रन, वो भी वाइड के रूप में किया था, गति पर कंट्रोल नहीं रख पाए थे उस कारण वाइड बॉल जरूर देखने मिला था। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार, इस बार देखिए फुल एंड गेंद थी, जोरदार अपील, लेकिन यहां पर इनर एज लगा है। यस, रिव्यू सिस्टम ओनली फॉर बीमर, उसके अलावा आप रिव्यू नहीं ले सकते हैं। सीजन वन है नगर सेवक चषक का, आने वाले सीजन टू में लगभग 6 कैमरे इस ग्राउंड को कवर करते हुए नजर आएंगे, आप फिर ले सकते हैं रिव्यू। अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार देखिए टॉप एज लगा है जरूर, और यहां पर एक रन के लिए निकले हैं और आसानी के साथ एक रन कंप्लीट किया, सिंगल रन, सिंगल रन से ज्यादा कुछ नहीं। सूरज और बादल का आमना सामना हुआ, लेकिन बादल की गेंदबाजी पर सूरज ने एक ही रन किया, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। सिंगल सिंगल से टारगेट की तरफ कदम बढ़ाती हुई टीम इस वक्त बालचंद्र स्मृति ब्रह्मांड टीम। अगली गेंद, इस बार देखिए जॉय, मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप इन्हें देंगे मौका तो जॉय आपकी गेंद पर करेंगे कुछ इस प्रकार से प्रहार, क्योंकि ये खिलाड़ी के पास क्षमता है, इस खिलाड़ी के पास टाइमिंग प्लेसमेंट और ताकत की कोई कमी नहीं, ये सभी का मिश्रण कर ये खिलाड़ी स्ट्रोक को जड़ता है जरूर। चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम बालचंद्र स्मृति ब्रह्मांड का स्कोर दर्शाता हुआ 46 रन। लास्ट ओवर का खेल बाकी है, अंतिम और आखिरी ओवर, इस ओवर में कितने ज्यादा रन बनेंगे ये देखने वाली बात होगी जरूरी। चलिए टॉस के लिए आना है वाग्बिल एंड कोलचे टीम। मनोज आइए प्लीज, या लगेज से टी शर्ट आपको दिया जाएगा, टी शर्ट प्रदान किया जाएगा। नए गेंदबाज आए हैं गेंदबाजी की कमान पर, अजय की वेरी फर्स्ट बॉल, गेंद हवा में है और खिलाड़ी गेंद के नीचे, खूबसूरत कैच, सूरज ने स्ट्रोक जड़ा था बिल्कुल सूरज की तरफ ही, लेकिन ये खूबसूरत कैच गीतेश ने पकड़कर सूरज को पवेलियन की राह लौटने पर किया है मजबूर। न्यू बैट्समैन एंड्रू, जॉय के पास इस वक्त है स्ट्राइक।
यस रनअप में थोड़ी सी मिस्टेक जरूर देखने मिली. अगली गेंद इस बार देखिए, दिस इज अ बिग ब्लो, बिग ब्लो पुल किया है, पुल पावरफुल वंडरफुल ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल 6 रन के लिए. व्हाट अ हिट, अ जॉय. मैंने पहले ही कहा था कि ये खिलाड़ी को पीछे क्यों भेजा गया है, ये हीटर बैट्समैन है, ये अगर इनका बल्ला चला तो ये बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर खिलाड़ी जॉय. इस 6 के साथ 50 रनों का जादुई आंकड़ा क्रॉस करती हुई इस वक्त टीम बालचंद्र स्मृति ब्रह्मांड 52 रन. झुंझा स्पोर्ट्स टीम कैप्टन, ऑफिशियल कॉल है, आपको जर्सी कलेक्ट करनी है. झुंझा स्पोर्ट्स टीम कैप्टन. नेक्स्ट बॉल इस बार देखिए, मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे और ये कैच हुआ है ड्रॉप. आपने कैच किसका ड्रॉप किया है? आपने कैच उस खिलाड़ी का ड्रॉप किया है जिसका बल्ला आग उगल रहा है इस वक्त. यस आपने एक स्टार खिलाड़ी को जीवन दान दिया है. कैच की कोशिश तो बहुत बढ़िया थी, कॉन्फिडेंस लेवल सर हवा में रहा, कैच को ड्रॉप किया है और जीवनदान मिला है बल्लेबाज को. कॉन्फिडेंस की अगर बात करें तो हाई लेवल पे कॉन्फिडेंस नजर आया था राम का. नेक्स्ट बॉल आड़े बैट से खेलने की कोशिश, अपील भी नहीं की गई, गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में, गेंदें हो चुकी हैं.
हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक टारगेट 50 60 यस 67 रन 57 रन टू विन इस मैच को अगर जीतना है तो फिर 57 रन बनाने होंगे जरूरी सिक्सटी सेवन यस राम राम एक डेंजर बैट्समैन काफी सारे रिकॉर्ड्स इस खिलाड़ी के नाम ऑलरेडी मौजूद हैं राम सामना करेंगे वेरी फर्स्ट बॉल आकाश का हेलो 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 चिक हेलो हेलो चिक हेलो 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 चेक हेलो हेलो गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है गेंदबाज सूरज ने राम और उनका साथ देने उतरे हैं बल्लेबाजी की कमान पर आकाश इस तरीके की जोड़ी टारगेट रखा गया है 67 रन टू विन ओनली 67 क्योंकि इस ग्राउंड का इतिहास से आप कितने भी रन बनाइए वो कम ही होंगे वेरी फर्स्ट बॉल करारा प्रहार दिस इज अ बिग ब्लो आउट ऑफ द पार्क डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन क्या बात है आकाश देखिए किस तरीके से स्ट्रोक को कन्वर्ट किया था बिल्कुल थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी बैकफुट पर गए और पावर जनरेट कर इस स्ट्रोक को खेला और इस स्ट्रोक में इतनी पावर डाल दी कि गेंद आउट ऑफ द पार्क 6 रन व्हाट अ हिट बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक दिस इज अ ब्यूटीफुल 6 रन इस 6 के साथ अकाउंट ओपन किया है आकाश ने खाता खोला है आकाश ने फिर से एक बार सामना करने के लिए तैयार होते हुए इस बार देखिए व्हाट अ हिट एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ गेंद जाती हुई 6 रन के लिए क्या बात है आकाश सिर्फ गेंद को आकाश में ही रखना चाह रहे हैं उन्हें पता है कि टारगेट 67 रन है कुल मिलाकर 11 सिक्स मारने हैं अगर इस मैच को जीतना है एक रन अगर दौड़कर यहां तो राम ने पूरा कर लिया है चलिए बॉल की व्यवस्था करनी है न्यू बॉल ग्राउंड के अंदर ताबड़तो भेजना है कमिटी चॉइस बॉल है प्लीज ग्राउंड के अंदर भेजे क्या बात है दो बड़े हिट आकाश के बल्ले से निकलते हुए अब गेंदबाज सूरज को कुछ ना कुछ कान मंत्र दिया जा रहा है क्या बैटिंग कर रहे हैं आकाश दो गेंदों पे दो बड़े हिट लगाकर अपनी टीम का स्कोर कर दिया है 13 रन है तीन गेंदों में तीन दो बड़े हिट जरूर आकाश ने जड़े हैं निजी 12 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं राम की अगर बात करें तो राम नॉन स्ट्राइक हैंड पर नेक्स्ट बॉल इस बार देखिए एक और बिग हिट गेंद हवा में है लेकिन नो मैन्स लैंड पे गेंद गिरती हुई फील्डिंग करने का प्रयास और देखिए गेंद बाउंड्री लाइन के पार चार 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 क्या एफर्ट किया था एंड्रू ने मैं रिक्वेस्ट करूंगा देखिए काफी सारे टूर्नामेंट्स आप लोग खेलते हैं आपके आने वाले करियर में बहुत सारी मैचेस होंगी इस तरीके के डाई वाई के लिए रिक्स लेने से पहले
आपको सोचना भी है, अपनी बॉडी की हिफाजत करनी है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार फिर से एक बार आकाश सामना करने के लिए सज्ज होते हुए। गति में मिश्रण किया था चेंज ऑफ पेस गेन की थी और अंपायर से अपील की गई लेकिन कोई खासा असर नहीं, गेंद रही डॉट के रूप में। आकाश की अगर बात करें तो बिल्कुल आकाश ने अब तक की गेंदें फेस की हैं लगभग चार और चार गेंदों में 16 रन उनका निजी स्कोर रहा। सूरज की अगली गेंद एक बार फिर से गति में फंसाने की कोशिश की थी, चेंज ऑफ पेस फिर से एक बार गेंद की थी और यहां पर सिंगल रन कंप्लीट किया गया, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। ओवर की हुई है समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर इस वक्त स्कोर दर्शाता हुआ 18 रन बिना कोई विकेट गंवाए। जीत के लिए टारगेट रखा गया है 67 रन, स्कोर है दर्शाता हुआ इस वक्त 18 रन। 24 गेंदों में 39 रन की जरूरत, 24-39 का ये मैच, 49 का ये मैच। इस मैच को अगर जीतना है तो एक कम 50 रन बनाने होंगे बची हुई 24 गेंदों में। चलिए कैप्टन, कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वाकबिल टीम कैप्टन आइए टॉस के लिए। झुंझार स्पोर्ट्स कोलचेत, चलिए टॉस के लिए आना, टॉस के लिए। नए गेंदबाज आए हैं, अगली गेंद लेकर तैयार होंगे नए गेंदबाज आए हैं बॉलिंग मार्ग पर सामना करने के लिए तैयार। आकाश हल्के हाथों से खेलने की कोशिश और यहां पर देखिए डायरेक्ट हिट लगाने का प्रयास किया था, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश की थी, गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में। काफी जानी मानी टीम मानी जाती है डुमवेली क्षेत्र में, जय वागेश्वर रिची प्रतिष्ठान। नेक्स्ट बॉल, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी करने की चाहत महंगी साबित हुई है, लेग स्टंप के बाहर गेंद को कर बैठे, अंपायर का इशारा वाइट बॉल, रनों में थोड़ी सी बढ़त होगी, स्कोर में थोड़ी सी बढ़त होगी जरूर। अगली गेंद लेकर तैयार होंगे फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर, रवि। ओहो, लेग ब्रेक गेंद की थी, यस वेरिएशन वाली गेंदबाजी जरूर की थी, गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में, बैक ऑफ द हैंड इस गेंद को करने का प्रयास किया और कामयाबी जरूर मिलती हुई। स्ट्राइक पर है आकाश, नॉन स्ट्राइक हैंड पर है राम। राम की अगर बात करें तो राम सिर्फ एक रन पर खेल रहे हैं, आकाश रनों की बारिश कर रहे हैं। आकाश की अगर बात करें तो चार गेंदे बड़े हिट की रही उनकी और तीन गेंदे डॉट के रूप में रही। इस बार देखिए फ्लिक किया था, गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आने के प्रयास में लेकिन नो मैन्स लैंड पे गेंद गिरती हुई, दो रन के लिए निकले हैं जरूर और दो रन यहां पर कंप्लीट किया है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट जरूर देखने मिलती हुई और दो रन यहां पर कंप्लीट किए गए, इस दो रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 21 रनों पर। स्कोरबोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 21 रन। अगली गेंद इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश और अंपायर डिसीजन, यस वाइट बॉल, अतिरिक्त रनों में एक रन जुड़ेगा जरूर। क्या अंपायरिंग कर रहे हैं जीतू पाटिल और उनके ही भाई
आपने क्रिकेट में जोड़ी देखी होगी, आज पहली बार अंपायरिंग में जोड़ी देखी है भाइयों की, संकेत पाटिल और जीतू पाटिल। इस बार पैर पे डाली गई गेंद थी, खेला है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार, 6 रन के लिए, व्हाट अ हिट, बिग ब्लो। इसी तरीके के स्ट्रोक्स की जरूरत है टीम रिचि प्रतिष्ठान देसाई टीम को। जय वागेश्वर रिचि प्रतिष्ठान देसाई, ये टीम इस वक्त परफॉर्मेंस करती हुई। स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं, स्कोर जा पहुंचा है 28 रनों पर, 28 रन पर टारगेट रखा गया है 67 रन। इस बार ये अच्छी गेंद थी, खेला है बल्ले की जड़ से, 1 रन के लिए निकलना चाह रहे थे, 30 कदमों के साथ 1 रन कंप्लीट किया, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 29 रनों पर। 29 रन स्कोर कार्ड पर नजर आते हुए टारगेट की अगर बात करें तो लगभग 67 रन का टारगेट। चला या झुंझार स्पोर्ट्स, आपला मनापासून हार्दिक स्वागत झुंझार स्पोर्ट्स टीम। अगली गेंद, बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे राम, लेकिन यहां पर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद रही डॉट के रूप में, ओवर की हुई है समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 29 रन, अब बची हुई गेंदें हैं 18 और जीत के लिए 38 रनों की जरूरत, 38 रन। चलिए टॉस के लिए आना है कैप्टन, झुंझार स्पोर्ट्स टीम कैप्टन प्लीज आइए, ताबड़तोप आइए, टाइम वेस्ट नहीं करना, ओमकार ओमकार पाटिल और वाग्बिल टीम कैप्टन, वाग्बिल टीम कैप्टन मनोज आना टॉस के लिए आना प्लीज, हमारे यहां पर गेस्ट आ चुके हैं टॉस के लिए। चलिए आइए ओमकार, टॉस बॉक्स थोड़ा सा खाली कर दे प्लीज, टॉस होने जा रहा है, टॉस बॉक्स खाली करें, चेयर बच्चों चेयर पे बैठे हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चेयर पीछे ले ले, पीछे साइड में, बैक साइड में, टॉस बॉक्स पूरा कंप्लीटली ओपन रखना है, थैंक यू। नई गेंदबाज मंगेश, मंगेश नई गेंदबाज के रूप में नजर आते हुए, 18 गेंदे 38 रन, 18-38 का ये मुकाबला। चलिए थोड़ा फास्ट करना है प्लीज, यस 4 ओवरों का मैच है, नेक्स्ट मैच जो खिलाया जा रहा है वो 4 ओवर का होगा। विन द टॉस झुंझार स्पोर्ट्स एंड कलेक्टेड टू ओमकार, ओमकार पाटिल थैंक यू फील्डिंग फर्स्ट, विन द टॉस एंड कलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट झुंझार स्पोर्ट्स कोलशेट टीम वर्सेस भाव्य 11 वाग्बिल, बिग फाइट मैच। इसके बाद का जो मुकाबला होगा दोस्तों बहुत ही धड़ाकेदार, बिग एनकाउंटर मैच आपको देखने मिलेगा, टफ एनकाउंटर। चलिए प्लीज स्टार्ट करिए मैच को, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, जो मैच ऑन है काफी समय हो चुका है। इस बार देखिए हल्के हाथों से खेला गया स्ट्रोक, गेंद डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार, 6 रन के लिए, व्हाट अ हिट, वेलकम मोहम्मद भाई, 46 ग्रुप के हेड मोहम्मद वारीकर, सुस्वागत है नगर सेवक चषक 2022 में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, सुस्वागत है। एफर्ट बहुत किया था अजय ने, हाइट का भी फायदा उठाने की कोशिश की थी, हाइट के साथ साथ फाइट भी की थी बॉल के साथ, लेकिन फिर भी गेंद उनके हाथों को चूमती हुई बाउंड्री लाइन के पार जाती हुई 6 रन के लिए।
अगली गेंद पर मिले हैं इस वक्त एक रन, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। मैच का सिचुएशन चेंज होता हुआ, 15 गेंदे 30 रन, 30 रन 15 गेंदे, 15-30 का ये मैच, 15 गेंदे 30 रन, 30 रन 15 गेंदे। राम से उम्मीदें ज्यादा है, लेकिन राम ने अब तक लग के 2 गेंदे फेस की है और 1 रन सिर्फ बनाया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। राम से उम्मीदें टीम को काफी ज्यादा है, क्योंकि कैप देखिए, ऑरेंज कैप किसके पास है? इस बार राम का बल्ला भी रनों को लूटता हुआ, दिस इज अ बिग ब्लो। मैंने पहले ही कहा था कि अगर राम के बल्ले से गेंदें टकराना शुरू हुई, राम के बैट पे बॉल आना शुरू हुआ, तो फिर राम भी यहां पर जो ऑपोजिट टीम है ब्रह्मान, इनके अगेंस्ट तूफानी पारी खेल सकते हैं। और वैसा ही दृश्य इस वक्त देखने मिला, राम के बैट से भी बड़ा हिट लगा है और स्कोर ने लगाई है छलांग। स्कोर जा पहुंचा है 43 रन्स, 14 गेंदे 24 रन, 14-24 का ये मैच, 14 गेंदों में 24 रन की जरूरत। मैच अभी भी दोनों ही टीमों के पक्ष में है दोस्तों। जो टीम अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, जो टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी, वो बनेगी चैंपियन इस मैच की। इस बार देखिए राम ने भी डिसाइड कर लिया है कि इस मैच को करना है ताबड़तोड़ समाप्त। राम ने बिग हिट के साथ किया आगाज और स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 47 रनों पर। अब जीत के लिए 13 गेंदे 20 रन, 13-20 का ये मैच, 13-20। राम की गाड़ी रनों की टॉप गियर में दौड़ती हुई, क्या ताबड़ तो बल्लेबाजी कर रहे हैं, शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन राम का भी देखने मिलता हुआ। फिर से एक बार राम सामना करने के लिए तैयार। इस बार बैट का अंदरूनी किनारा लगा था, चाहते तो 1 रन के लिए निकलना चाह रहे थे, लेकिन अंतिम और आखिरी वक्त पर अपने इरादे यहां पर दर्शाए। 12 गेंदे 20 रन, 20 रन 12 गेंदे, क्या होगा क्या नहीं देखेंगे जरूर, लेकिन एक छोटे से ड्रिंक ब्रेक के बाद चलिए पानी की व्यवस्था करनी है ग्राउंड में ताबड़तोब। चलिए प्लीज ड्रिंक ट्राइंग, यहाँ पर ड्रिंक का जो टाइम था वो समाप्त होता हुआ, मैच को करना है ऑन। चलिए मैच का सिचुएशन, 12 गेंदे 20 रन, 20 रन 12 गेंदे, अपनी टीम की ओर से आए हैं गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालने रवि, जिन्होंने सेकेंड ओवर पावर प्ले का किया था, 11 रन खर्च किए थे, उनसे उम्मीदें टीम को है ज्यादा। रवि के हाथों में गेंद थमाई गई है, अब देखने वाली बात होगी 12 गेंदों में 20 रन रोकने में सक्षम और कामयाब हो पाते हैं या फिर कुछ और दृश्य यहां देखने मिलेगा, क्योंकि बिग फाइट मैच चलता हुआ ब्रह्मांड और देसाई के बीच। इस बार देखिए बल्ले की जड़ से खेला गया स्ट्रोक और ये खराब फील्डिंग, क्या खराब फील्डिंग का प्रदर्शन देखने मिलता हुआ। रोहित रोहित को लॉन्ग ऑन पर रखा गया है और यस मेरे ख्याल से यहाँ पर बैट में जरूर जिस अंदाज में स्ट्रोक को कन्वर्ट किया था, बैट की बहुत जोरदार आवाज आई थी, यहां पर बैट की व्यवस्था करनी है। चलिए प्लीज बी फास्ट,
हर खिलाड़ी अपनी जो बैट होती है उससे बहुत चाहता है, उसे बहुत संभाल कर रखता है, और जब उस बैट में कुछ भी थोड़ा सा नुकसान हो तो मान लीजिए वो खिलाड़ी उसकी हिफाजत बहुत अच्छे तरीके से करना जानता है। यस, 4 रन। और रोहित कॉन्फिडेंस से भरपूर थे लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस उनके लिए भारी पड़ता हुआ। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार रवि सामना करने के लिए तैयार है आकाश, और वाटर डिलीवरी, क्या बात है, एक शानदार डिलीवरी जरूर देखने मिलती हुई डॉट के रूप में। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार रवि, इस बार बैट का मोटा सिरा लगा है, गेंद कन्वर्ट होती हुई थर्ड मैन जोन में, 1 रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। जीत के लिए बची हुई गेंदें हैं हिस्से में 9, और 9 गेंदों में जरूरत है 15 रन। 9-15 का ये मैच, 9 गेंदे 15 रन। अब देखने वाली बात ये होगी कि 9 गेंदों में 15 रन यहां पर कंप्लीट करने में कामयाबी मिलती है जय वागेश्वर रिची प्रतिष्ठान देसाई टीम को, या फिर कुछ और दृश्य। इस बार देखिए खड़े खड़े स्ट्रोक को कन्वर्ट किया, गेंद डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री, फ्लाइटेड सिक्स, पैरेलल सिक्स इस वक्त जरूर आकाश के बल्ले से निकलता हुआ, ये 6 रन। इस 6 के साथ मैच का सिचुएशन चेंज होता हुआ, अब जीत के लिए 8 गेंदे और 9 रन। और आकाश की अगर बात करें तो आकाश इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए 44 रनों पर, 44 रनों पर। एक बड़ा हिट और हाफ सेंचुरी करने वाला ये पहला खिलाड़ी बन सकता है। इस बार देखिए खेला है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, एक और 4 रन, एक और चौका, अब 2 कदम दूर हाफ सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 रन की जरूरत है। फर्स्ट हाफ सेंचुरी कंप्लीट करने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं नगर सेवक चषक 2022 में, वो सितारा बन सकता है आकाश। 2 रन की जरूरत फर्स्ट हाफ सेंचुरी कंप्लीट करने से दूर ये खिलाड़ी मिस्टर आकाश, और इस बार खेला है गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। एक बार जोरदार तालियां अगर आकाश की बैटिंग पसंद आई हो तो। फर्स्ट हाफ सेंचुरी करने वाला नगर सेवक चषक 2022 का ये पहला सितारा। मेरे ख्याल से अब 1 रन की जरूरत है, 1 रन की दरकार है मैच की समाप्ति के लिए। एक रन एक कदम दूर, और आकाश की अगर बात करें तो 52 के निजी स्कोर पर नाबाद पारी, और फर्स्ट हाफ सेंचुरी के साथ साथ हाईएस्ट पार्टनरशिप अपने नाम करते हुए ये दोनों ही खिलाड़ी राम और आकाश। जॉय लास्ट ओवर लेकर आए हैं, 1 रन की जरूरत है, 6 गेंदे, 1 रन, 1 रन, 6 गेंदों में क्या होगा क्या नहीं देखते हैं जरूर। और चलिए इस स्ट्रोक के साथ मैच की हुई है समाप्ति, इस मैच को जीत लिया है पूरी तरीके से टीम जय वागेश्वर रिची प्रतिष्ठान देसाई ने, एंड हार्ड लक बालचंद्र स्मृति ब्रह्मांड टीम, और मैन ऑफ द मैच, यस, वन मैन आर्मी वन मैन हीरो, जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया, गेंद को किया आकाश के ही अंदर बड़े बड़े हिट के साथ। प्लीज वेलकम मिस्टर आकाश, मैन ऑफ द मैच। कमेंट्री बॉक्स में भी थोड़ी सी फेर बदल होगी, मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे साथी कमेंटेटर।